राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शंकर आद्या गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला। बंगाल बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की एनआईए जांच की मांग। किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। भारत के मिशन सूर्य आदित्य एल1 के लिए आज बड़ा दिन। शाम 4 बजे अपनी मंजिल तक पहुंचेगा आदित्य एल1। इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था आदित्य एल1 मिशन। जयपुर में हो रही DGIG कॉन्फ्रेंस में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। अयोध्या में राम मंदिर पर जेडीयू सांसद का विवादास्पद बयान। निमंत्रण मिलने के सवाल पर बोले जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, अयोध्या में न किसी का श्राद्ध हो रहा है और न ही किसी की बेटी या बेटे का ब्याह। एनसीपी नेता शरद पवार गुट के जितेंद्र अवहाड़ की बड़ी मुश्किलें। पुणे के बाद मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में भी अवहाड़ के खिलाफ FIR दर्ज। अवहाड़ पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। इस साल होने वाले परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड 1 करोड़ छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 29 जनवरी को सुबह 11 बजे से भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। 12 जनवरी है आवेदन करने की अंतिम तिथि। पुणे पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया गैंगस्टर्स की हत्या का मामला। मास्टरमाइंड समेत 8 लोग गिरफ्तार, 3 पिस्तौल भी जब्त। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। नालंदा से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया। दरअसल सांसद महोदय से जब ये पूछा गया कि क्या आपको राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है, ये सवाल सुनते ही वो अनाप शनाप बोलने लगे। उन्होंने कहा कि ना तो किसी के बेटे की शादी है और ना ही किसी के पिता का श्राद्ध जो कोई न्योता देगा। आपको सुनाएंगे भी कि आखिर क्या कुछ कहा गया नेताजी की तरफ से। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पर फुल ऑन राजनीति किस तरीके से जारी है। एक तरफ तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से इस चीज के लिए कहा जा रहा है कि आखिर क्यों जो है राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की मार्केटिंग कर रखी है। दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नया विवाद सामने आया है। नालंदा से ये जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर ये बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। के बेटा के ब्याह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण खुद देगा, वो नहीं दिया था हम ना गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है, न्योता की क्या जरूरत है। अच्छा, क्या लग रहा है न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है, अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा।